ही जाते हैं। महात्मा का रूप एक भगवान का रूप बताया गया है। महाराज आप अगर आए हैं तो आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता, थोड़ी शांति बना रखे भैया। हम तो चिल्लाइए रहे और तुम उम्र कह रहे कह आज बाजार पर आएगी मैं, अब तुम जब उसे रहे बाजार पर आएगी बात घर ही पूछ लेते। आप लोगों ने देखा होगा दो पैसा पैदा करके लाओ और बहरार से कोई आओ घरे तो घरे बहुत ही, अगर हम बता रहे हैं आपको अगर दो पैसा कहीं से पैदा करके लाए तो घर वाले बहुत खुश हुए और जे भी आपकी पत्नी बने की पूजा ही नहीं, मतलब है सब सिस्टम। एक बार आपको बताए इस बार एक महात्मा जी जो थे गांव की गलियों में घूमने लगे, पिता पत्नी तो हमारी ऐसी है अगर संजा घरे न पहुंचे तो संदेह मरे जाए। महात्मा जी ने जो कही तुम काम का करतो कि कछु ना सारे दिन परे रहा तो संजा भाई बंदूक उठाई डकैती दारी चले आए फिर तो काम करते जागे लाभ और कछु ना करते। मंदिर में बैठे भाई साहब इधर आ जाए पंडाल में जो हते बिन्ने जो कई लला ऐसो है तुम जो जो डकैती डारे गला तो इसलिए घर वाले आपके प्यार करते हैं आपसे। तो लड़का को हलो महात्मा जी मैं आपकी बात पे विश्वास ना करे कि काई के हमारी पत्नी तो इतना प्यार करती कि कद बूझो ही मत कि सो कैसे तो उन्होंने कही लला तुम ज्यादा ज्ञान फुरक रहे हो तो हमारी बाप आ जा लो आश्रम। महात्मा जी जो थे वो प्राणायाम विद्या सिखाते थे, यानी कि वो लड़का जो था वो घंटों तक मुर्दा के रूप में लेटा रहता था। तो एक दिन महात्मा जी ने जो बात कही कि ऐसा करो तुम जाई प्राणायाम विद्या से सांस खींच के मुर्दा बने के लेट जाइयो घरे और घर वाले जाने के तुम मर गए और जब घर वाले जने के तुम मरिए तो वे जगे जरा भूको चले है। तो जैसे ही इतनी बात कही तो लड़का जो है तो सो पहुंचो घरे, जैसे ही घर जैसे ही पहुंचो तो मम्मी के जकई के इच्छा जा है कि खीर पूरी बनाओ। ध्यान से सुनना इस कहानी को, बहुत ही लंबा फर्क पड़ता है क्योंकि जैसे ही पहुंचा वो लड़का तो मम्मी ने बहू को सनकर दो कही कि जान लला ने कही खीर पूरी बनाए दे।